आज प्रस्तुत है तिलापिया फिश करी। तिलापिया ताजे पानी में पाई जाने वाली एक मछली है जिसका मांस स्वादिष्ट होने के साथ साथ अत्यंत लाभदायक है। तिलापिया का मांस अपने मीठे हल्के स्वाद और परतदार बनावट के लिए जाना जाता है। तिलापिया का स्वाद पानी की गुणवत्ता और उसको दिए गए भोजन पर निर्भर करता है। खाने के दौरान आप इसके कांटे यानी कि हड्डियाँ आसानी से निकाल सकते हैं, तो बहुत से व्यक्ति इसे इसलिए भी पसंद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मछली प्रोटीन के स्वास्थ्यप्रद स्रोतों में से एक है और तिलापिया में भी यह भरपूर मात्रा में होता है। तिलापिया सिलेनियम का एक अच्छा स्रोत है। सिलेनियम एक खनिज है जो कैंसर, हृदय रोग, संज्ञानात्मक गिरावट यानी कॉग्निटिव डिक्लाइन और थायराइड रोग की रोकथाम में भूमिका निभाता है। यद्यपि आपको सिलेनियम की केवल थोड़ी मात्रा की ही आवश्यकता होती है, यह विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। तिलापिया में सिलेनियम उत्कृष्ट मात्रा में पाया जाता है। तिलापिया के केवल एक फिले को खाने से आपके शरीर में दैनिक सिलेनियम 88% वैल्यू की पूर्ति होती है। मछली खाने के कई स्वास्थ्य लाभ इसमें उपस्थित ओमेगा 3 फैटी एसिड की उच्च मात्रा के कारण होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट्स यानी असंतृप्त वसा विभिन्न तरीकों से स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं, जिनमें सम्मिलित हैं रक्त के थक्के को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ब्लड प्रेशर को कम करना, स्ट्रोक और हार्ट फेल्योर के खतरे को कम करना और अनियमित दिल की धड़कन को कम करना। तिलापिया आपको बीफ, पोर्क, चिकन या टर्की की तुलना में अधिक ओमेगा 3 फैटी एसिड देता है। इसके अतिरिक्त तिलापिया कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस से भरपूर होती है। इसे खाने से आपकी हड्डियां स्वस्थ रहती हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि तिलापिया मछली कितने मूल्यवान लाभों से भरी हुई है। आज की इस प्रस्तुति में हम तिलापिया मछली की एक स्वादिष्ट करी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रेवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर फ्रेंच क्रैब की रेसिपी अपलोड की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसी लगी। पास के बाजार से हमने आधा किलोग्राम तिलापिया मछली खरीदी, जिसे विक्रेता के द्वारा हम कटवा रहे हैं। इसे काट कर विक्रेता इसके पेट को भी अच्छी तरह साफ कर देता है। कटे हुए टुकड़ों को हमने पानी से अच्छी तरह धो लिया है। इन टुकड़ों पर थोड़ा नमक छिड़कते हैं। थोड़ी हल्दी छिड़कते हैं। और अब मछली के टुकड़ों पर नमक और हल्दी अच्छी तरह मल देते हैं। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तदुपरांत मछली के इन टुकड़ों को तेल में अच्छी तरह तलकर करारा कर लेते हैं। तलने के लिए आप कोई भी तेल प्रयोग कर सकते हैं, पर जब हम इसकी तरी बनाएंगे तो सरसों के तेल का ही प्रयोग करेंगे। हमने तिलापिया के सारे टुकड़े तल लिए हैं। चलिए अब इसकी करी की तैयारी करते हैं।
यह 150 ग्राम प्याज हैं, इन्हें महीन काट लेते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चों को लंबवत चीर लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच पिसा जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वादानुसार तीखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और स्वादानुसार नमक लेते हैं। अब थोड़ा पानी सम्मिलित करके इन मसालों का गाढ़ा घोल बना लेते हैं। हमारे मसालों का मिश्रण तैयार है। चलिए अब तिलापिया मछली के लिए तरी बनाते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1/4 छोटा चम्मच मेथी दाना एवं 2 चुटकी कलौंजी सम्मिलित करते हैं। 2 से 3 लाल मिर्च सम्मिलित करते हैं। 3 से 4 करी पत्ता डालते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम कर लेते हैं और प्याज को धैर्यपूर्वक भूनते रहते हैं। हमें इस प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनना है। प्याज भुन चुकी है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन के मिश्रण को सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं। अब समय है इसमें मसालों का घोल सम्मिलित करने का। इसे प्याज में अच्छी तरह मिला देते हैं और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला अब भुन चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें से तेल पृथक हो रहा है। आंच मध्यम कर लेते हैं और 2 मिनट इसे और भूनते हैं। अब इसमें 2 से 3 कप गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर आंच तीव्र कर देते हैं जब तक कि तरी में उबाल नहीं आ जाता। तदुपरांत इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। गर्म पकी हुई तरी में अब तली हुई तिलापिया मछली के टुकड़े डुबो देते हैं। आंच तीव्र करके मछली के टुकड़ों को 2 मिनट तरी में उबलने देते हैं। इसी अंतराल में कटी हुई हरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। अब इसे ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं और 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं ताकि तरी में अच्छी रंगत आ जाए। तैयार तिलापिया करी में थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। हमारी फिश करी तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार तिलापिया मछली को इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें।
चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा चावलों अथवा दोनों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चक्कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। तो आनंद लीजिए तिलापिया मछली करी का अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।